हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही प्यारा वॉल डेकोर बनाने वाले हैं हम। उसके लिए ये इस तरह से हम एक कोई भी कागज़ ले लेंगे और उसमें हम शेप कट करेंगे। डबल फोल्ड करके इसको इस तरह से हम शेप ले लेंगे, एक पत्ते की शेप। इस तरह से ये शेप ले लेंगे हम, एक बड़ी लेंगे और एक छोटी, इस तरह से कटिंग करके। अब हम ये मैंने उतार लिए हैं इसके कार्डबोर्ड की एक लेयर उतार ली और इस तरह के पीसेस में से निकल के इसको इसके ऊपर रख के और इसकी हम कर लेंगे कटिंग। दो बड़े लेंगे हम और छह लेंगे छोटे, आठ पीस लेंगे तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये पत्ते की कटिंग कर ली। अब हम इस पे सब पे कलर कर लेंगे। ये तीन पे हम ग्रीन कलर करेंगे, तीन पे हम रेड कलर करेंगे और दो जो बड़े लिए थे उन पे हम येलो कलर कर देंगे। इन सभी पीस को हम कलर करके रेडी कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने तीन पीस ग्रीन कलर के, तीन ये रेड कलर के और दो ये बड़े वाले येलो कलर के कलर करके रेडी कर लिए। अब ये जो इसकी साइड वाली कॉर्नर है ये थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही, तो उसके लिए हम ये लेस है इसको हम फेविकोल की साइड, ये इसके रफ कॉर्नर जो है इनको छुपाने के लिए इसके हम ये मल्टी कलर की लेस है चारों तरफ ये लगा देंगे हम फेविकोल के द्वारा इस तरह से, और इसकी एक अच्छी लुक आ जाएगी। आप खाली टाइम में तो रफ वेस्ट मटेरियल से अच्छी अच्छी आइटम बना सकते हैं। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस तरह से हम इन सभी पीस को रेडी कर लेते हैं लगा के ये लेस लगा के ये सारे पीस रेडी हो गए हैं। अब इनको हम और डेकोरेट करेंगे। दीवारों पे थोड़ी ही चमक दमक ही अच्छी लगती है, सीधा पदरा अच्छा नहीं लगता। तो अब इस पे हम ये गोटा के फूल लगाएंगे बीच में, और ये मैं फेविकोल के द्वारा नहीं लगाए, मैंने ये फेविकोल से अच्छे से ये चिपक नहीं रहे थे, मैंने तो फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है। ये फैब्रिक ग्लू के द्वारा हम इस पीस को ऐसे चिपका देंगे और बीच में ये ओरिजिनल मिरर लगाने वाले हैं हम। इस तरह से हम सारे पीसेस को रेडी कर लेंगे। ये सब लगा के मैंने रेडी कर दिए, ये बड़े वाले पीस छोड़ दिए हैं। ये जो कपड़ा सूटा में जो आया करा फोम, उससे हम लिख के ये सुगलाव काट लिए मैंने। ये देखिए, काटने में तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था, वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो ये लिख के आप इस तरह पेन से और इसमें से ये सुगलाव काट सकते हैं। अब इनको हम कलर कर देंगे रेड कलर और इन दोनों पे ये वाले चिपकाएंगे। हाँ थोड़ा कर बोले ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे पीस मैंने रेडी कर लिए। अब ये मैंने प्यारी सी लेस ली है, इस पे हम यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ के और इन सबको ग्लू गन के द्वारा चिपका देंगे। इस तरह से हम इन सभी पीस को चिपका देंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो आप भी ट्राई करना। और इस तरह से वेस्ट मटेरियल में थोड़ी बहुत हमने ये डेकोरेशन वगैरह करके और एक सुंदर सी बंदरवार बना ली है। इस तरह से बहुत ही प्यारी लग रही है और देखने में तो लग भी नहीं, कार्डबोर्ड से हमने ये बनाई है। तो अपने खाली समय में बाज़ार से मिलने वाले महंगे महंगे आइटम हम घर पे बचत के साथ बढ़ा सकते हैं और अपना समय का अच्छा यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही प्यारी सी हमारी बंदरवार बन के तैयार होगी। ये देखिए, और कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है। अगर आपको भी अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। ये कॉर्नर पे थोड़े धागे से निकले हुए हैं, तो थोड़ी ग्लू गन लगा के और इसको हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे ताकि फिनिशिंग हमारी अच्छे से आ जाए। अब यहाँ पे हम इसमें सुई के द्वारा दोनों साइड हम धागे लगा देंगे ताकि जो दरवाजे की लंबाई हो उस पर ये अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तो हम सुई में धागा डाल के और उस पर लगाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दोनों तरफ इस तरह से इसमें धागा बांध दिया। अब यहाँ से थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था, तो थोड़े से ये मिरर हम इसके बीच में भी लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से पूरे, तो इसकी थोड़ी और अच्छी सी डेकोरेशन हो जाएगी इस तरह से सब के बीच में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देख कर आप ऐसे ही चले जाते हैं, हमारा मोटिवेशन हो जाएगा अगर आप एक लाइक कर देंगे तो। तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अच्छी लगे तो शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये है इसकी
ये है इसका फाइनल लुक।